निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। वाजे का कहना है कि अनिल देशमुख पीए के द्वारा पैसे लिया करते थे। इतना ही नहीं, वाजे ने कहा कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सारी जानकारी अनिल देशमुख के बारे में पहले ही दे दी थी। देखिए, जो भी है उनके सारे प्रूफ है, सारे प्रूफ है उधर, पैसे उनके पीए के थ्रू दिए जाते थे और सीबीआई के पास भी प्रूफ है और मैंने भी अभी फडणवीस साहब को एक लेटर लिखा हुआ है। सुनवाई में उनके खिलाफ गया है सारा, उनके खिलाफ गया है, मैंने सारे वाजे के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई, काफी तेज हो गई। अनिल देशमुख ने कहा है कि अपराधी की बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। वहीं इस मामले को लेकर महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता अब आमने सामने। क्या है वजह, कौन है वजह? ईटीएस के पास केस है, सीबीआई के पास केस है, बहुत से धागे उसमें। वो आरोपी भाजपा का प्रवक्ता बनकर, बीजेपी का प्रवक्ता बनकर, फडणवीस जी का प्रवक्ता बनकर बाहर रहकर बात करता है। आपको एक टेररिस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है बीजेपी को, यह आपकी हार है। गृहमंत्री फडणवीस का यह अगर अधिकार है, कर्तव्य है कि सामने आओ और कहो लोगों से, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक टेररिस्ट के स्टेटमेंट पर, राजनीतिक स्टेटमेंट पर विश्वास न रखो। यह उद्धव ठाकरे शरद पवार जी की जो सरकार थी, ये वसूलीबाज थी। पुलिस के द्वारा इतने करोड़ों रुपए वसूल करोगे तुम? अब ये वही लोग हैं जिन्होंने झूठा भ्रम लोकसभा के चुनाव में फैलाकर महाराष्ट्र में वोट पाए। अब महाराष्ट्र की जनता को तय करना होगा कि उद्धव ठाकरे शरद पवार गैंग अपने को कितना हल्के में लेगी। वसूलीबाज लोगों की जगह जेल में होती है, लोगों के बीच में नहीं।